that. Dig that. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फुट टॉक। सो भाई पीएसजी में काफ़ी बट्टेबाजियां चल रही है और अगर आप आज की सिचुएशन देखें तो नासिर खलीफी और किलियन एम्बापे के बीच काफ़ी टेंस माहौल इस वक्त चल रहा है और आज किलियन एम्बापे का जो इंटरव्यू आया है उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली पीएसजी की जो मैनेजमेंट है उनको क्रिटिसाइज। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या करना चाहिए पीएसजी को कि पीएसजी यूसीएल जीते, तो उन्होंने ये कहा मुझे नहीं पता, ये सवाल मेरे लिए नहीं है, ये सवाल आप जाके मैनेजमेंट से पूछे। जिसके रिएक्शन में पर नासिर खलीफी का भी स्टेटमेंट आया और जब उन्होंने किलियन एम्बापे को डायरेक्टली कहा कि अगर ऐसी बात है तो भाई आप क्लब अभी इसी वक्त छोड़ क्यों नहीं देते। अब नासिर खलीफी का जो रिएक्शन आया है सुनने में ये आ रहे हैं, रूमर्स ये आ रहे हैं कि पीएसजी के जो प्लेयर्स हैं 6 प्लेयर्स उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट शो किए किलियन एम्बापे की स्टेटमेंट पे और उन्होंने ही ये जो किलियन एम्बापे की स्टेटमेंट है वो नासिर खलीफी को भेज। तो भाई देखिए सीन कुछ ऐसा है कि अगर आप सिचुएशन देखें ओवरऑल तो 2021 से अगर आप देखें तो किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड आना चाह रहे थे। वी ऑल नो कि इज अ मैड्रिड स्टार, वी ऑल नो कि इज अ रोनाल्डो फैन बॉय, राइट। सो वो रियल मैड्रिड में आना चाह रहे थे, उन्होंने आपको अपनी विश भी बता दी थी और रियल मैड्रिड ने 200 मिलियन की बिड भी मार दी थी एम्बापे के लिए, बट आपने अपने ईगो को सेटिफाई करना था और आपकी आपने अपने ईगो के खातिर उस बिड को रिजेक्ट किया। फिर जब फ्री की बात आई तो फ्री में ये हुआ क्या, आप सबने देखा हो जैसे पॉलिटिकल जिस तरीके की इंजीनियरिंग हुई, फ्रेंच प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हुए, कतर के अमीर जो थे वो इन्वॉल्व हुए और एक फीफा वर्ल्ड कप भी था पीएसजी कतर का, तो उस वजह से भी किलियन एम्बापे को आपने पॉलिटिकल प्रेशराइज करके एक्सटेंड करा लिया। अगर एक प्लेयर का दिल नहीं होता है एक क्लब में खेलने के लिए तो आप जो मर्जी कर ले उस प्लेयर का दिल नहीं होगा उस क्लब में खेलने के लिए और हमें दिखा। और यही होता है भाई, और यही होता है अगर देखे अगर आप किसी प्लेयर को फोर्स करते हैं रुकने के लिए तो यही रिजल्ट सामने आते हैं। ये जो पूरा एक मैस है ये नासिर खलीफी कतर इन सबका फैलाया हुआ है। आप एक प्लेयर को इतने पावर्स दे रहे हैं कि आप क्लब ही उस प्लेयर को भेज दिया, वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी वही है, सैलरी भी वो ले रहा है, आपने इतने पावर्स दे दिए उस प्लेयर। लेकिन अगर हम प्लेयर की बात करें तो प्लेयर रिप्लेस हो जाते हैं। हमारी एग्जांपल आपके सामने है, चाहे वो आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एग्जांपल देख लें, चाहे आप रामोस की देख लें, चाहे आप किसी की भी एग्जांपल उठा के देख। मैं हर किसी क्लब के लिए कहता हूँ, चाहे वो पीएसजी हो, रियल मैड्रिड हो, बार्सिलोना हो, कोई भी हो, चेल्सी हो, मैं ये बात हर क्लब के लिए कहता हूँ कि क्लब जो है वो हमेशा ऊपर की प्योरिटी होनी चाहिए प्लेयर से। प्लेयर रिप्लेस हो जाते हैं, किलियन एम्बापे रिप्लेस हो जाते हैं अगर आपके पास एक दिमाग होता, अगर आप उस दिमाग को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करते। और एक दो दिन पहले नासिर खलीफी की स्टेटमेंट भी आई है और उन्होंने ये कहा है कि नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब। आई थिंक यू मस्ट बी किडिंग मी, अगर आप ये बात कर रहे हो, आपको शर्म नहीं है अगर आप ये बात कर रहे हो। ये बात रियल मैड्रिड करे, ये बात बार्सिलोना करे, ये बात कोई और क्लब करे तो समझ भी आता है। आपने एड़ी और चोटी का जोर लगाया था एक प्लेयर को रोकने के लिए, किसी ना किसी तरीके से वो प्लेयर रोके और आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके जिस तरीके से भी एम्बापे को स्टे करवाया जबकि वो स्टे नहीं करना चाहते थे और अब आप आके ये बात कर रहे हो कि देयर इज नो प्लेयर बिगर देन द क्लब, सो यू मस्ट बी किडिंग। देखिए अगर मैं पुल की बात करूं तो बेशक अभी पीएसजी के पास पैसा बेइंतहा होगा, दूसरे क्लब्स के पास भी पैसा बेइंतहा होगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बार्सिलोना। अगर आप इस वक्त बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भी उनकी पुल देखें तो बहुत से प्लेयर्स उनके लिए खेलना चाहते हैं और यही एक क्लब को ग्रेट बनाते हैं, यही एक क्लब के ग्रेटनेस को शो करते हैं। आप अपने क्लब को उस डायरेक्शन में लेके जाएं कि आपके लिए प्लेयर्स खेलना चाहे, फोर्सफुली आप किसी प्लेयर को स्टे नहीं करवा सकते। तो मसला यह है कि अभी पीएसजी डेस्परेट है किलियन एम्बापे को सेल करने के लिए और मैड्रिड और फ्लोरेंटिनो पेरेस चुपचाप सोफे में बैठ के पॉपकॉर्न खा के चिल होके पूरा सीन देख रहे हैं कि हो क्या रहा है और देखते हैं आगे आने वाले दिनों में होता क्या है। सो किस तरीके से रियल मैड्रिड सिचुएशन को हैंडल करती है, किस तरीके से पीएसजी सिचुएशन को हैंडल कर, सो विल सी व्हाट हैपेंस इन द अपकमिंग डेज और होता क्या है, क्या रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे के लिए बिड कर
Do let me know in the comment section what do you guys think about Kylian Mbappe's saga, and do you really think that Kylian Mbappe is coming to Real Madrid this season? Or finally, जो एक जो ये saga है, ये इख्तिताम की तरफ जा रहा है. Do let me know. Until next time, peace.